सिगरेट मांगने वाला यार अब दो ना, क्यों नहीं अफोर्ड करते कोल्ड लीफ फॉर दी टेस्ट चलाओ। अरे क्लीन कोल्ड लीफ तो भी कोल्ड लीफ बिग टेंडर। अरे इन बातों को छोड़ो, आज हमें सफाई नहीं करवानी क्योंकि हमारे कुछ मेहमान आ रहे हैं, तुम यहाँ से चले जाओ। हाँ मैनू आदमी आ रही है, मैं स्विच डाल करो। हाँ क्यों। अरे जिम माइक तो ऐसा कंग दियो, तुसी मेरे बारे दी बहन कर दियो। ऐ तो तानू पता नहीं मेरा इनका खाली निशान है। हमें आप इतना लेट आई हैं। वो एक्चुअली बात ये है कि मेरी गाड़ी खराब हो गई थी। तो मैं सुबह फोन कर दिया होता ना, मैं गाड़ी भेज देता। पता है कल ही मेरे नई पिजारा लिए। पिजारा? हाँ हाँ। क्यों चली? हाँ लिए। तुम्हारे पास भी कोई गाड़ी होगी? है टूटी करना। क्या? अरे भी ये टूटी करना का कह रहा है। मैंने लेकर दिया। गाइस एक्सक्यूज मी। अच्छा। मैंने क्या कहा था यार? यार मेहमान आए हुए, चाय वगैरह नहीं पूछोगे शायद? मैं एक प्याला चाय का बोल आओ कैंटीन पे, और दो खाली प्याले नॉन ऑनसो। दो प्याले खाली? अच्छा अच्छा ठीक है। तो मुझे जरा जीएम साहब ने बुलाया ना। कोई जीएम ने? हां मेरी भी सिफारिश कर दी थी। मुझसे मशवरा मांगा है, नया ड्रामा की कास्टिंग कर रहे हैं, तो मैं मशवरा दे के आता हूं। अच्छा जरा मेरा भी ख्याल कीजिएगा। और सुनाए मिस रूबी कैसी हैं आप? बस अल्लाह का शुक्र है। ये बताएं कि आपके पापा क्या करते हैं? हाँ डैडी। आपकी शराब फटी हुई है। आजकल फैशन है। आपके पापा कहाँ होते हैं? क्या अमेरिका में? तो उनका बहुत बड़ा अपना बिजनेस है रावड़ी माम खाली का। और आपकी मामा? जी ओ मम्मी। मम्मी मम्मी लंदन में होती है, उनका भी अपना बहुत बड़ा बिजनेस है टीन डवाज का। आपको पता है मेरा भाई सोजिया का वलीद है। अच्छा सूफिया का वली आयद है? सारे मुसलमान प्राप्त। अच्छा कोई बात नहीं, मैं बैठू। आप ये बताएं कि आप उससे शादी कब करेंगे? शादी मेरे साथ आते ही शादी शुरू। आपकी डैडी कब आएंगे? बस रास्ते में। ये बताएं कि आप शादी में मुझे कौन सा गिफ्ट देंगे? छोरे असली हीरों का नेकलेस 9 लाख रुपए का। में बड़ा तेज है ना तो, तो फिर ऐसा करना कैंटीन वाले की 2 बोतलें जल्दी से उठा के ले, ठीक है? है? और जी तीसरी अपने लिए ले आना, तू नहीं पिएगा, ठीक है ना? भी वो एक प्रोड्यूसर ड्रामे की कास्टिंग कर रहे हैं, 2-4 बंदे कटवाने। अच्छा अच्छा तो शादी चाहना उसे भी दिखवाना। सुबह मैं काफी अरसे से आपसे बात करने जा रहा हूँ। जी कीजिए ना। सुबह आप मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। शुक्रिया भाई जान। ये भाई भाई को दादे जान ठीक रहेगा। जान 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 के है ना? अच्छा जान जान दिल जान ठीक रहेगा ना? हाँ, तो ऐसा ना मिस रूबी कि मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। और मिस रूबी आप इस बात की फिक्र नहीं करें, मेरे पास बहुत कुछ है। मसलन? बहुत फंसे हैं। मसलन शुरू करना कुछ था। हाँ आप कभी वो शावर गई है? हाँ एक दो दफा पेशावर टीवी का चक्कर लगाया था। नहीं वो जो लेडी रीडिंग अस्पताल देखोगे रास्ते में। हाँ। वो जो है ना वो मेरी अपनी है।
वो अस्पताल आती है? हाँ, सुभी देखे डॉक्टर डेनिस आइज़क साहब आए हुए, मुझसे 2 माह की तनख्वाह पेश की मांगने, और मैंने इन्हें पता है 3 माह की तनख्वाह दे दी है। झूठ ना बोले, वो तो हमारा फैमिली डॉक्टर है। देखिए आप कंगनों की कंगनों से रहेंगे तो मांगने ही पड़ेंगे ना। अच्छा तो मिसरूबी आप ये बताएं कि ये लीजिए ना। हाँ वो टीवी पे आता है। अभी हमारा इलेक्ट्रीशियन फ्यूज लगा रहा है, फ्यूज हो गया, सिर्फ 4 मिनट आप इंतजार करें, फ्यूज लग गया। आप ये बताएं कि हमारी शादी पे सही बख्शा तो आएगा ना? नाम से सही बख्शा नहीं आएगा, अमिताभ बच्चन आएगा, दिलीप कुमार आएगा, माइकल जैक्सन आएगा। माइकल जैक्सन? एक मिनट। शहजादा चार्ल्स आएगा। चार्ल्स? और बुश चाचा तेरा आएगा। और वो फ्रांस का सदर है, क्या नाम है, पालक मेत्री मित्रा आएगा। क्योंकि बड़े लोगों की शादी में बड़े लोग ही आते हैं ना। अच्छा अच्छा। इमरान खान को जानती है आप? हाँ हाँ। वो मेरा करीबी दोस्त है। दोस्त? बल्कि दुल्हन पारो मेरा रिश्तेदार है। रिश्तेदार? कल ही मैंने उसे रात को डिनर लंच पे बुलाया था। उसने लंच किया था?
कोई हॉस्पिटल के लिए चंदा बंदा मांग रहा था, मैंने 4 करोड़ दे दिया। 4 करोड़ प्लीज जरा मुझे देना। छोड़े जी अभी है यार, देख इस वक्त कौन आ गया। कौन है? थोड़ा लाला। अच्छा प्लीज कुर्सी के नीचे जल्दी कर ना, थोड़ी बेबे भी आई है। इस तरह करते हैं मिसरूबी को स्टैचू बना दी। गुड आइडिया यार, प्लीज प्लीज आप पीछे हैं, जल्दी करें। मिसरूबी पीछे, आप ये समझे कि आप ड्रामे की रेसिपी। आईना आईना जल्दी करें, आईना आप जल्दी करें, हमारी इज्जत का सवाल है, जल्दी करें, जल्दी करें। मिसरूबी हाँ, तो ऐसा करें ना आप कि जरा एक हाथ ऐसे कमरिया पे और दूसरा सरिया पे। कमरिया पे सरिया पे दरवाजा खोल रही है। मैं पढ़ा मैं जाऊं मिसरूबी प्लीज। ओ लाला सो चलो छोड़ दो फिर मिर्चा आगे खारी चाहिए होंगी इसे पता नहीं कुरा गई कुत्ता लड़ गया। मैं इसको अस्पताल गांधा उत्थे एक अस्पताल में डॉक्टर बैठे दस है को जा यार। अच्छा यार अजकल डॉक्टर कसमा कुराना ना 2 घंटे मग बिठा लै रखे ने, फिर आखने लगे यार कि असि को 14 टीके लवाने पैसों ने। लाला लुआ छोड़े ने यार, मैं उसको आगे मैं मड़े सी ग्राएं सी रोज नहीं आना होता, एक बारी ला सके बस यार आते असि ना लांदे, फिर मैं सब खोल आंदा पाखाली जमाना फतो पैगे तेरे तेवा वो तू जो क्या सुधा मैं लाख बार या खैमा कुत्ता दी लड़या वो मैं ती उरली ते करने ना लड़ी या तू दरक लगी है खतरे जो क्या इतिया गला करना है उधरे पे तो दाखे फजीलो ता कुत्ता लड़ गया डेडी पे तो दाखे फजीलो ता कुत्ता लड़ गया वो बोतू जो क्या इतिया गला करने ना दूई तू जो कोई नहीं कहता मौत ना नहीं कसमा कुराना तू मड़ी जान छोड़ मोचेन मोच मोचेन मोचेन लाला हां तू ता लाख बार या रहे हैं बेबे हल्का है कुत्ता नहीं लड़ा हेलो ओते लूसी जा कुत्ता ही हेलो सेड़ी सारी में बटे मारता रहना राम सुधरो वाला चू ही करता उसको। ओ लाला लाला बस गल याद आ गई या हां शायद भाई ने गल करके ना की गल ओ अली आ लाला असक ते पता नहीं कैसा गला था जात बाजी वे शहर आना ही ना ते मां बनी अली पीनो मिली या अच्छा यो यो सब बोल क्या शहर का दे दी आती है या आंदे जो मैं बुटांगी दले मिल सा। अच्छा गल सुन हां लाले ते इस कला दा नहीं पता। ओ लाले के पता ही लाला ते कले दा बची तू ते आंदा लाले नहीं पता। ओ लाले खंगा की दियो अला चुप किधर जो लाओ दे ना कुछ ना परम पर ले कौन है जायद पर ले कौन है तो एक ते पुरानी आदत में कीजो ऐसे काम ही ना करा कर रहा हूं मैं पुत्र जलील जोगी ए जी सोनी कुड़ी देखी दी
ਉਹ ਕਲੰਦਰੀ ਦੀ ਧੀ ਨੀ ਆਇਆ ਉਹ ਕਲੰਦਰੀ ਵਾ ਜਿਹੜੀ ਬੱਚਾ ਗਿੰਦੇ ਬੂਟੇ ਤੇ ਲੈ ਲਈਏ ਹਾਲਾ ਉਸਦੀ ਕੀ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਕੀ ਕੱਲ੍ਹ ਮੈਂ ਗਈ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਜੇ ਸੋਹਣੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਕਦੀ ਹੈ ਯਾਰ टर्मिनेटर 2 चाहिए अच्छा कितने दी है 600 दी कुछ महंगी पढ़ाई याद आ गई नानी जमानी तुम केड़े देनी फिर लिखाड़ी 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 लाले हाँ कोई दे मैं पुत्र जैद हो इस खाली जमाने सतने जो गया मैं लख बारी आख्या उस लंगड़े खोतिया बेच के ते जैद उड़ा खड़ के पैसे दे पता नहीं उसका क्यों नहीं बेचता उसका के रिश्ता मैं उस लंगड़े खोते ना बेचता हूं मुड़ा साले और कसा चीजा की लोड़ आदमी दसता उसके पास है ना वो भी है अच्छा तो हीरो साहब यहाँ खड़े अनवर साहब जल्दी करो जल्दी मेरी बात तो सुने ना क्या बात सुनो आपकी दाढ़ी कितनी चमक रही है क्या खूबसूरत आपके बाल हैं अगली सीरीज में आपको शाह साहब तो कहें आपको चांस मिलेगा मैंने बिल्कुल हीरो हॉलीवुड के हीरो लग रहे हैं आप हाँ 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 क्या खूबसूरत होंठ हैं आपके दाढ़ी चमक रही है हैं
महंगा समाई का गरीब आदमी हूँ मैं क्या करा जी नीचे मेरी ड्राई क्लीनर की दुकान है कस कलर दी ड्राई क्लीनर टोपियां नहीं लाला अरे टोपियां है अरे वो जी आपके साहबजादे जो है शर्टें और कोट लाते हैं मुझसे कहते हैं कुछ मेहमान आने वाले हैं मेहमान आने से मेहमान कौन आने से लाला कुछ आने आया अस जाने का इन्हें पहले ही पता लग गया लाला बलिए तो काम बोल रहा है तू तेरा बोल रहा लाला मेरा बच्चा गाली है ना मैं तो पैसे देता हूँ मुझे पैसे नहीं चाहिए मुझे शर्टें और कोट चाहिए नीचे गांव बैठे मेरे बच्चा मैं तो पैसे देना मुझे पैसे नहीं चाहिए मुझे कोट और शर्टें चाहिए मेरा बच्चा और ना मड़ी गल सुनी काता गारा ते गावा गाचा दे खरा टकार चाड़ इती दी रात ते बनी वे त्रै लाशा हैं लाशा 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 चिट्टा बुट्टा काला बुट्टा चिट्टा बूटा काला बूटा टुटियाला और मड़ी बच्चा गालियां ना आदमी खत पत्र जरूर लिखता होता है जरूर की खबर रखता आदमी जी मिनटा की खुशी तो कबूल नहीं तू मैं थोड़ा ग्रां चुन के इलाज कर सें लोग त्रिंतियां के काम देने मैं तो पूरा दस्ता दे सां क्या है आप तो अभी तक इधर ही खड़े हो क्यों क्या बात है यार वहाँ सुखबालियाँ नहीं हो रहा अच्छा अच्छा सुखबालियाँ और मैं सारे हॉस्टल में ढूंढ रहा हूँ यार ठीक है तो बैठ जा ना नीचे अच्छा ना मंगा जा मैं बैठूँ अच्छा जल्दी चलो तू गैर मर मौके मणि क्रिमती का किला तू कौन अंदर की पड़े है कौन है तू नाना मैं दसना मैं हां कोई कोई रात नहीं अपने ग्राइंड है नाना
ਉਹ ਕ੍ਰਾਈਮ ਵਿੱਚ ਰਫੀਕ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਯਾਰਾ ਕ੍ਰਾਈਮ ਵਿੱਚ ਮੁੰਡੇ ਸੋ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਹ ਲਾਲਾ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਬੁਆੜੀ ਦੇ ਬੂਟੇ ਪਹਿਲੇ ਘਰ ਹੈ ਉਹ ਵਾਲੇ ਰਫੀਕ ਸਾਹਿਬ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਫਿਕਾ ਨਾਈ ਓਏ ਫਿਕਾ ਨਾਈ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਏ ਤੇ ਮੁੰਡਾ ਬੱਚਾ ਪਹਿਲੇ ਕਿਹਨਾਂ ਦੱਸਦਾ ਸੀ ਉਹਦਾ ਪਰ ਮੁੰਡਾ ਬੱਚਾ ਕਿ ਮੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖ ਘਰ ਬਣਨ ਦਾ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ तू मत समझा था कस कमा गया तू कस कमा गया अंकल का सुना क्या बात है यार जल्दी जल्दी बता यार यार क्या है बोलना वो यार वही आर्टिस्ट आ रहे हैं ना शाओ टीवी के और इंजीनियर वगैरह आ रहे हैं तो जल्दी आओ ना यार मैं तुम लोगों का इंतजार कर रहा था बस तुम आए नहीं हो यार तुमने तो ड्रामे का कहना था कि वो पेशावर में फेस्टिवल है और वो ही था यार बस तो मुझे भूल ही गया था कोई ड्रामा श्रामा रामड़ा बच्चा थोड़ा पे ग्राम बेच देखो कि छड़ झुलता है तो तू इधर ड्रामे करते हो ड्रामे करते तू था ये आती है बाहर फटाफट ओए बाहर फटाफट क्या कर रहा है कुड़ी रूबी ओए ये तुड़ी चाची है रूबी रूबी कर दे तुड़ी चाची है शराब चुना है पीते दे देखा दे आर्डर किंदा करना चाचा तुमसे बड़ी छोटी का भी मुझ करता है जरा एक कस कमा से गुड़ी रखी दीने लाला सगी एक दर्दी उसकी दुकान है उससे बाहर खिलाया मैंने इस तरह करके अच्छा मसाले की गुड़ी है लाला कासूर एक ही शहर है गुड़ी है ना यार गुड़ी को कहते हैं ना फिर कहते नहीं ना यार कितने भी आओ अपनी चतुर्दास मच्छर सैले में कुछ मच्छर आयो अला तला की होती है चंगल मंगल की पूछी होती है तुम
मैं तेरा टन पांच सौ समय टक्कर कर लिया कर यानी मेरी तेरे से पांच छोटा खाली जुबान बस वही चुटी का तेरा क्यों सी चुट दिया चलो उठ उठ खाली जुबान ये मैं लाल पैसे चुट दिया पैसे पैसे में तले दे के चुटना दुकानदार हैं आओ आओ उठो उठो मैं चुट दियो क्यों बाल गुड़ी है मेरे चेक इनफॉरमेशन लिखे हो यार बाल गुड़ी यार गलत में आ रहा प्राइस है मैं कह के देता बाल आ रहा तू गुड़ी के अंदर से मैं ताए तुझे उसे तू कई गल किसे बनाओ मैं बस कुछ भी ना कहता मैं गुड़ी के नहीं बड़ी गल सुनो ओए ये गुड़ी मतलब है बहुत है ते मैं बहुत प्रार्थना में बोचे को ना पढ़ो कला खाली बात ये तो टूर दिया इधर टूर दिया कस कमा के था ये तो मैं इसके साथ पढ़ती हूँ ना इनके साथ की पढ़ती है बकरे हो गए की नहीं पढ़ती है थोड़ी चेर पहले मामा मामा आखते हूं अंटड़ी अंटड़ी आखते वह थोड़ी रात गुजरी ते मासों ने चली है चली वह इधर रोए इधर रोए इधर रोए इधर रोए चल चल कर दिए हमारे साथ चल कर दिए मेरी बात सुने जी आपका ये बेटा मुझसे कह रहा था कि पिशावर में वो जो लेडी रेडिंग अस्पताल है वो मेरी है ये रोज ताल तुरी मकीना दस्ता से मैं त्रै घंटे होगी डीमेज बैठा रहा हूँ तुम्हारे ये रहा दस्ता होना ना आदमी और कह रहा था कि पिशावर टीवी भी हमारा है वो थोड़ा अपने ग्राई में क्या है ना लाला वो बान आते ये बान है छड़ी अपनी है ना और क्या कह रहा था वो कह रहा था हाँ। मेरे जो डैडी है वो अमेरिका में होते हैं थोड़ी बड़ी मेहरबानी है शिरवाना कमरी का बड़ा सटी और कह रहा था कि मेरी मम्मी जो पाव में होती है कसम कुराना नल पहली बारी अपने वादा का ही है और कह रहा था कि भाई जो है वो वली है थे ओ लाला मैं तो अपने खुद का वली है था और क्या से ऐसे और ये कह रहा था कि मैं तुमसे शादी करूंगा माता क्यों ए भी हाँ तुम्हें बेबे छोड़ो ते जिरा पसीनो ते वो से क्रीम की के ना है माची जाए लंदरी के लंदरी लंदरी की बीमार जाए खाना अलग कर दो थोड़े होते जिरा मैं पीनो ना चक्कर चलाए उसे क्यों जी बोल लाला मेरा क्या बात जी मेरे जूस थोड़ा मेरे को आई अगर पिछाड़ के कल क्या छोड़ो ए तू मुझ निकल जा पिछाड़ थोड़ा पीनो नाल डैश थोड़ा उठा के ना से उसका कलंदरी वाह मैंने क्यों जानना है यार हला हला वो से कहा थोड़ा हैं तो होने इंशाल्लाह ताला ये गुड़ी में आप ही चलो एंगल चेंज कर दियो एंगल चेंज कर दियो वो सेंगल तो वही क्या ये पीर साहिब को मुझे सिर्फ एक पुलिया दे दे मेरा नशा टूट रहा है नहीं तो मैं मर जाऊंगा चला जा जा पुड़िया के बच्चे वाली ये बताओ पैसे लाए हो पैसे पैसे हाँ पैसे पैसे लाया हूँ पैसे पुड़िया अच्छा अच्छा देता हूँ आ तारे आ बता तुम्हारी जसूसी कैसी जा रही है खतरे की जो कोई बात नहीं ना दादो इसमें इसमें दादो मेरे को आखिरी पानी ना गिनो अल्लाह का वास्ता इतना गिनो मैं एक पूरी जादू एक पूरी जादू कुमार पीर साहिब तुमसे खुद बात करेंगे पीर साहिब की दिल्ली पीर साहिब अंदर चिरा कर रहे हैं चिरा की शांति जी ओ वही जो सुल्तान राय की नहीं आई काके डाखड़ा
किसी का ही तो चिल्ला काट रहे हैं। ओए पीर साईं इसे पुड़िया दी। जी साईं दे दिए। इसे एक और देकर अंदर दफा कर दो। जी बेहतर पीर साईं। चलो अंदर जा। पीर साईं, पीर साईं, मत रिया जाए पुड़ी नहीं मिली, मैं मर गया। अल्लाह का वास्ता है ना, आगवा एक पुड़ी चाहतो, एक पुड़ी चाहतो, पांच पुड़ी ना दाई में मरवा सही। ये नो। तुम्हें आज पुड़िया नहीं मिलेगी। क्यों जी? पहले तो बीमार रोज नहीं होने दी, आज क्यों नहीं होने दी? इसलिए कि तुम्हें एक जमाना गुजर जाने के बावजूद अपने गांव में कोई दूसरा गांव भी नहीं बना सके। कद तू दिमाग पूरी चाहते ना जी, तुसी ते ही गांव दासे हो जी, दुवे करते जी, मैं कल ही करू ने कुछ दिसा जी, सारे नवीजा तुम तो मीरपुर मंडिया अमेलिया क्रकी जिते जिते जरो आ मसला भी मेरे मेरे सामने सोने साले का प्राच जी, मैं कुछ चाहते जी, बड़े वादे में मर मत रिया था। ठीक है, आज तो हम तुम्हें एक पुड़िया देते हैं। ठीक है, लेकिन याद रखना दीनू। जी जी जी। कहीं आज की पुड़िया आखिरी पुड़िया ना हो। ना जी, आखिरी पुड़ी ना होती जी, मैं तो सार जग का मन से जी, मैं तो एक पुड़िया चुना हूँ जी, मैं मर गई जी। क्या बकवास प्रिंट लाए हो? तस्वीर भी साफ नहीं। पीर साईं गलती हो गई, पीर साईं कल नया प्रिंट लाऊंगा। पीर साईं खुदा गवाह, पीर साईं खुदा गवाह। खुदा गवाह वाली, एक नया प्रिंट आया है, जंगली शैतान। सुना है उसमें हमारे ग्रुप की बहुत अच्छी कहानी है, उसे भी लेते हैं। पीर साईं वो भी ले आऊंगा, पीर साईं वो भी ले आऊंगा, वो भी ले आऊंगा। अस्सलामुअलैकुम पीर साईं। वाले वाले, क्या हाल है साईं? सब ठीक ठाक है ना? अपना धंधा वंदा सही चल रहा ना साईं? सब ठीक है हुसैन बख्श। जी साईं। तुम सुनाओ कैसे आना हुआ? साईं वो बात दरअसल ये थी साईं, अपना नया वाले जेलर साहब आया ना साईं, वो बहुत ही ईमानदार आदमी है साईं, यकीन मन साईं बाल अंदर तक पहुंचाने में बहुत दुश्वारी पड़ती है। साईं वो कुछ कैश वैश बढ़ा देते ना साईं, नवाज शुद्दी साईं। हुसैन बख्श, तुम जब कभी भी आते हो एक नई कहानी लेके आते सही, मजबूरी ये पापी पेट भी तो साथ है ना सही। ठीक है हुसैन बख्श, हम तुम्हारा कैश बढ़ाते हैं, लेकिन याद रखना हुसैन बख्श, जी सही, जिस तरह से हमारी तरफ से तुम्हारा कैश बढ़ेगा उसी तरह से तुम्हारी तरफ से प्रोग्रेस बढ़नी चाहिए। हम उन्हें यहाँ बैठे बिठाए अमेरिका की सैर करवा देंगे। पिछले लड़कों ने मुझे अपना लीडर चुन दिया है, अब तो इस काम में मुझे बड़ी आसानी होगी। लड़कों ने तुम्हें अपना लीडर चुन दिया? बेवकूफ, लीडर हमने तुम्हें बनाया है। ये जो अंदर चार पांच तेरे ढूंढ सट पड़े हैं, ये किस लिए रखी हुए मैंने? मैं सब समझता हूँ, मैं जाऊँ? जाओ। और सुनो, दरस तो अपने ताले बिलम साथियों को कि खुशी और सुकून कहाँ मिलता है? बेहतर सही, बेहतर। कहाँ मिलता है? यहाँ मिलता है। यहाँ मिलता है। माल पहुँच गया? जी हाँ पीर साईं, माल तो मैंने अंदर स्टोर में रखवा दिया है पीर साईं। वो पीर साईं, आपका माल जाते हुए पकड़ा क्यों नहीं जाता पीर साईं? हा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 ह
माल पकड़ा क्यों नहीं जाता? बेवकूफ, मंत्री देते हैं, यूं भी रोज के खाके सब अपने लोग। खैर, तुम इन बातों को क्या समझेगा? अपने काम से काम रखो। गलती हो गई पिंसाई, गलती हो गई पिंसाई, 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 ये देखो, देखो पिंसाई, मैं अपनी बीवी के जेवरात का आखिरी हिस्सा भी लाया हूँ। देर मत करो, मुझे मेरा नशा दे दो, मुझे मेरी जिंदगी दे दो, वरना मैं मर जाऊंगा पिंसाई, मैं मर जाऊंगा। जीरा, तुम तो बहुत अमीर आदमी थे, तुम्हारा बाप अमीर ज्यादा था, तुम्हारे पास तो अभी बहुत कुछ बाकी होना चाहिए। अल्लाह पिंसाई, यही आखिरी पूंजी थी, ये बीवी से लड़कर लाया हूँ पिंसाई, खुदा के लिए मुझे मेरी जिंदगी दे दो, वरना मैं मर जाऊंगा पिंसाई, मैं मर जाऊंगा। आखिरी पूंजी। जीरा, तुम भूल रहे हो, तुम्हारे पास तो अभी बहुत बड़ा खजाना बाकी है। मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है पिंसाई। तुम्हारे पास कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं तुम्हारे पास जीरा, तुम्हारा एक बेटा है, वही तो तुम्हारा असल खजाना है, उसे हमारे पास ले आओ। उसकी कीमत जानते हो जीरा? उसकी कीमत एक हफ्ते का नशा है जो तुम्हें मुफ्त मिलेगा। समझते क्या हो जीरा, तुम्हें हर रोज जिंदगी मांगनी पड़ती है, आज आज एक हफ्ते का नशा मुफ्त मिल रहा है जीरे। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है पीर साहब, ठीक है, लेकिन नहीं पीर साहब, नहीं, मेरी बीवी बिचारी के पास तो बेटे के सवा और कुछ भी नहीं। बस देर बीवी दे जाता। पीर साहब, आप उस बच्चे का क्या करेंगे? पीर साहब, कुछ भी नहीं करेंगे वाली, तुम तो जानते हो कि हम इंसानियत के किससे हमदर्द हैं। जी जी, हम सिर्फ इतना करेंगे बाली, उस बच्चे के दो हाथ और दो टांगे काट कर किसी सड़क के किनारे बैठा देंगे, अच्छी दाढ़ी कर लेगा बाली वो, इट्स अ क्वाइट गुड बिजनेस। अरे पिरसाई, पिरसाई, अरे फिर, अरे फिर मार तू। अरे पिरसाई, ये औरत बाहर खड़ी रो रही थी साई, अरे कौन है साई? मुझे तो लगता है ये कोई जासूसा वसूसा है साई। रेशमा, तू यहाँ, तू यहाँ कैसे आई? रेशमा, तू यहाँ कैसे आई? जाने में साई, कुछ तो खुदा का खौफ करो, आज तूने अपने खून का भी सौदा कर दिया। मैं सारा सारा दिन लोगों के बर्तन धोती हूँ, जो पैसे मिलते हैं लाके तुझे देती हूँ, लेकिन लेकिन आज तू इतना गिर जाएगा, ये मैंने कभी नहीं सोचा था। अरे सुहाग तो औरत के सर की चादर होते हैं, लेकिन तू कैसा शोर है, जिसे नशे ने पांच चरंदा कर दिया, तू मर क्यों नहीं जाता, मर क्यों नहीं जाता? समाप्त। हम ज्यादा शोर नहीं सुना करते। सैंडबॉक्स, हुक्म करो सही। इस औरत को काली कोठरी में बंद कर दो। बंद कर दिया जाए। सालमो, फिर तो खुदा का खौफ करो, खुदा का कहर नाज़िल हो तुम पे। जीरा, जीरा तू ही कुछ हजार कर, देख तेरी इज्जत के साथ क्या हाल है। लेकिन मैं मजबूर नहीं हूँ, बंद करो ये नाटक, बंद कर दी तुम लोगों ने,
तुम? डरो नहीं, डीएसपी ब्लावर हूँ। मैंने बहुत कोशिश की थी लेकिन तुम्हारे हाथ बहुत लंबे थे। मेरा हर ऑपरेशन सैन बख्त जैसी काली भेड़ों की वजह से नाकाम हो जाता था, इसलिए इसलिए मजबूरन मुझे वो रूप धारना पड़ा। एक रूप हम भी धारेंगे तुम्हारा डीएसपी साहब, वो रूप माफ का रूप है। जरा हमारी तरफ तो देखो डीएसपी साहब, ये जो वक्त है ना बड़ा तेरा है। कभी तो इंसान को आसमान की पुलंदियों में बढ़ा देता है और कभी मरने के लिए हमारे कदमों में फेंक देता है। मरने के लिए तैयार हो जाओ। चलाओ गोली, चलाओ। बहुत बहादुर है। हम सिर्फ 3 गोलियां चलाएंगे, देखना पहली गोली से ही मर जाए। एक बस हो गई। खैर दूसरी चल जाएगी, पिस्टल है, मिस हो सकता है, दूसरी चलाएंगे। दो मिस हो गई। एक पापी है, वो जरूर चलेगी, चलेगी ना, चलेगी, जरूर चलेगी। क्या है, मिस हो गई है। हाँ, तेरे पिस्तौल की सारी गोलियां तो मेरे हाथ में हैं। इंस्पेक्टर, सारे मजार को चारों तरफ से घेरे में ले लो, कोई शख्स भागने ना पाए। यस सर। बहुत दुख हुआ है मुझे, आज आज इकबाल की रूह तड़प रही होगी। उन्होंने तो उस पाकिस्तान का ख्वाब देखा था जहां इस्लाम का बोलबाला हो, लेकिन इसके बजाय तुम लोग हीरोइन की पुड़ियों के हवस अपनी ही माँ और बहनों को सरे बाजार ले आए। आज आज मेरे कायद की रूह बेचैन होगी कि जिन्होंने पाकिस्तान के उसूल के लिए दिन रात एक किया ताकि इस पाक धरती की हिफाजत के लिए माए मोहम्मद बिन कासम और खालिद बिन वलीद जैसे बेटों को जन्म दे सके। लेकिन लेकिन पता नहीं कौन हो तुम लोग, किस तरह हमारी सफा में घुस आए हो, पता नहीं किसकी औलाद हो, इंसान की औलाद हो अभी के नहीं। जलील, तुम तो तालिब इल्म हो, इल्म ही को तलब करते। ये हजरत अली करमुल्लाह वजहू की तलवार को छोड़कर हिरन की पुड़िया की उठा ली तूने, ये कौन सा रास्ता अख्तियार कर लिया तूने? क्या समझते हो हिरन के नशे में धुत होकर किसी गति नाली में पड़े होगे या अपनी माँ बहन के दुपट्टे की हिफाजत कर सकोगे? तुम पर मुल्को कौम की नजरे हैं, तुमने मादरे मिलत की सरहदों की हिफाजत करनी है। याद रखो ये मुल्क मुफ्त में नहीं मिला हमें, इसे हासिल करने के लिए हमारे बुजुर्गों ने आग और खून के दरिया अबूर किए हैं। इतनी जल्दी इस चमन को आग नहीं लगने देंगे। बस कीजिए सर, बस कीजिए। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मैं बहुत शर्मिंदा। You bastards! तुम्हारी असलियत जानने के लिए तो मुझे बहुत से कठिन मराहिल से गुजरना पड़ा है। शर्म करो यू स्टूपिड, तुम वो काली भेड़ हो जिसकी वजह से हजरत दाता गंज बख्त जैसे असीम बुजुर्गों की रूहों को तड़पना पड़ा। हराम ज़ादे, तुमने मुजारों जैसे तुमने मजारों जैसे मुकद्दस मकामात के तकद्दस कोई बमाल नहीं किया, बल्कि तुम इंसानियत के सबसे खतरनाक मुजरिम हो। बहुत तड़पा लिया है तूने इन बेबस लोगों को, बहुत तड़पा लिया है, और माँ की बद्दुआ है तेरे लिए
कि जिनके जिगर कोशों की जिंदगियों की तजारत करते रहे तुम। किसी खुश फहमी में मत रहना, मैं हर उस जबान को काट कर रखूंगा जो तुम्हारी जमानत के वास्ते है सिफारिश बन कर रीडर है, उसने भी अच्छा अदाकार अपने हर फर्ज को याशी पर कुर्बान कर दिया तूने। कैसे सिपाही हो तुम कि चंद सिक्कों की लबकती हुई जनकारों में अपने ही मुल्क को कौम का सौदा करते हो? किस रात पाकिस्तान ने तुम्हें भूखा सोने पर मजबूर किया? आखिर ऐसी कौन सी मजबूरी थी जो तुम्हें अपने फर्ज की अदायगी से रोकती थी? याद रखो, याशी इनफरादी हो या इत्तमाही, तबाही और बर्बादी का दूसरा नाम है, लेकिन जिस याश और बेगैरत जिंदगी का हाल तुमने देखा है, मैं उसे कभी बुरा नहीं होने दूंगा। पुलिस डिपार्टमेंट के मुकद्दस पेशे पर बदनामा दागो तुम, उतार दो ये बेच सारा बेच। नहीं नहीं सर, मुझको माफ कर दे, मैं ऐसी गलती नहीं करना। मैं कहता हूँ उतारो बेल्ट, उतारो बेल्ट, उतारो। मुझे जिंदगी दे दो। हाँ, तुम्हें जिंदगी दे दो। जारा, जिसे लोग जावेद खान के नाम से पकड़ते थे, आज जारा बन गया। जिसके दादा ने दो अंग्रेज फौजियों को महज इस बात पर कत्ल कर दिया था कि उन्होंने उसे नमाज पढ़ने से रोका था, आज उसी अजीम और गैरतमंद शख्स की औलाद महज हीरोइन की पुड़ियों के हवस अपनी बीवी को सारे बाजार ले आया है, अपने बेटे का सौदा कर रहा है। ये सब क्या है? क्यों तुम्हारे सोचने की सलाहियतें मफकूद हो गई हैं? तुम लोगों ने ये कौन सा बिजनेस शुरू कर दिया है कि जिसमें सिर्फ लाश ही लाश है, पूरी कौम का लाश, पूरी इंसानियत का लाश? क्यों करते हो जिंदगी की तजारत? क्यों करते हो इंस्पेक्टर? ये सब कबल इसके कि मैं इन सबको अदालत के कटारे तक ले जाने के बजाय खुदा की अदालत में ले चलूं, इन सबको मेरी नजर से ओझल कर दो। ले जाओ इनको, ले जाओ खान, इन सबको ले जाओ, पूरा बारात में बंद कर दो। चलो मोहतरम खातिन व हज़रात, गेस्ट ऑफ